हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो आजकल के पेडागोजी के टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें हमारा जो पार्ट टू में जो डिवाइड था, पार्ट वन अलग और पार्ट टू, तो पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर आपके करिकुलम प्लान्स और आई थिंक इवेल्यूएशन था, तो वो वाला जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो गए, और वन प्लस उसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे आपके, वो भी हमारे उसके अंदर कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज से जो है हम अपना सेकेंड जो पार्ट है उसका सिलेबस में, जिसके अंदर आपके इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड और डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो बाकी जो एरर्स होते हैं या जो फिज़िकल और एम्पायर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे टीचिंग करवानी है, वो होते कौन से बच्चे हैं और वो सारी चीज़ें। प्रीवियस वीडियो में आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर और स्पेशल चाइल्ड के ऊपर, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो उसमें प्रॉपर वे में आपको ये पता चल जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो होती क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं अभी अपनी जब क्लास मतलब आपको ये पढ़ाऊँगी आज का टॉपिक, तो उसमें मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस ज़रूर कर लूँगी, एक बार शेयर कर लूँगी, क्योंकि एक तरह से आपकी बाउंडिंग अच्छी हो जाएगी, उसमें दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। आप पुरानी वीडियो को ढूंढोगे, छाटोगे, फिर उससे इसको कोरिलेट करोगे, तो थोड़ा शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन डीपली जानने के लिए आप जो मेरी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर वीडियो है पर्टिकुलर स्पेशल चाइल्ड के ऊपर, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसी के बाद ये वाली वीडियोज़ देखना तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। और एक और चीज़ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप कमेंट्स करते हैं वीडियोस पे मेरी, मैं वो उनको देखती हूँ, चेक करती हूँ। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि जो मेरे इवैल्यूएशन और असेसमेंट से रिलेटेड मिसिंग वीडियोस हैं वो नहीं आई है, और कुछ ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप सारी वीडियोस को पेडागोजी की एक प्लेलिस्ट में डाल दीजिए ताकि बच्चों को हेल्पफुल हो, उनको देखने के लिए सारी वहीं पे कलेक्शन मिल जाएगा, तो वो हम कर देंगे आज ही। पेडागोजी से रिलेटेड एक अलग फोल्डर बना दिया जाएगा आपके लिए, उसी के अंदर प्लेलिस्ट में आपको सारी पेडागोजी की अब तक की जितनी वीडियोज़ हैं, आई थिंक 40 अराउंड हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, अब वन बाय वन उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो मिसिंग वीडियोज़ हैं वो भी हम डाल देंगे, वो बीच में थोड़ा आगे पीछे हो गया था और फिर हॉलीडेज थे तो इस वजह से थोड़ा इश्यू हो गया था, तो लेकिन आपको जल्दी वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तब तक आप दूसरे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऑल ओवर सिलेबस को देखिए, क्योंकि आपका ऑल ओवर जो सिलेबस है काफ़ी लेंथी और बड़ा है, तो उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल पेडागोजी पे फोकस मत करिए, मेरी जो वीडियोस हैं बाकी जो मिसिंग है वो जल्दी आ जाएंगी आपके लिए, तो आप तब तक दूसरे सब्जेक्ट्स और दूसरे टॉपिक्स पे क्या है फोकस कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपका सेकंड पार्ट जो उसमें डिवाइडेड है, उसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में फर्स्ट पार्ट बी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड इसके कॉन्सेप्ट एंड टाइप एंड मीनिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी से आप समझिए कि उसमें स्टार्टिंग में क्या है, समा यानी कि सेम लोग या एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना जिसके अंदर सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाया जाए। अब एक समान रूप से आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आप तो सोचेंगे सब बच्चे इक्वली होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, राइट, लेकिन कुछ स्पेशल चाइल्ड भी होते हैं, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं हमारे बीच में, हम लोगों में से ही स्पेशल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड कैसे हो सकते हैं, वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गिफ्टेड चाइल्ड हो सकते हैं जो बिल्कुल एडवांस नॉलेज हो, जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे हों, वो गिफ्टेड बच्चे वो हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे स्पेशल चाइल्ड कौन से हो सकते हैं, जो अपनी एक लेवल से थोड़े से नीचे हो, यानी कि मेंटली रिटायर्ड हो सकते हैं या फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं। ठीक है, उन सबको मिलाकर नॉर्मल बच्चों के साथ देना, एजुकेशन देना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। और हम इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों देते हैं, क्योंकि उन बच्चों के अंदर अपने आप को लेकर एक गिल्टी फील ना हो कि हम
अलग थलग हमें रखा जाता है, हमें अलग स्कूलों में भेजा जाता है, हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या कहीं अपना करियर सेट नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते खुद को, ठीक है। तो इस तरह की जो फीलिंग है बच्चों में वो डेवलप ना हो पाए, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों की समावेशी शिक्षा रखी जाए, एक ऐसे स्कूल्स मेंटेन किए जाए जहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली रिटायर्ड और नॉर्मल बच्चे और गिफ्टेड बच्चे क्या है, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पढ़ते हुए आगे चले, ठीक है। वहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, ताकि बच्चों के अंदर वो फीलिंग कभी डेवलप ना हो कि बच्चे अपने आप में एक हीन भावना लेकर चले कि हम कहीं पर स्टैंड नहीं कर सके या हमारा कोई वजूद नहीं है लाइफ में, ठीक है। वो भी वैसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, उसके पैरों में प्रॉब्लम है, हाथ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका मेंटल लेवल भी लो होगा। क्या पता वो इतना स्मार्ट हो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ सकता हो कि क्लास में फर्स्ट आता हो, राइट। तो इसीलिए वो भी अपना करियर कहीं ना कहीं सेटल कर सकता है। तो इस तरह से आपको एज अ टीचर उनको अलग नहीं करना है, उनकी क्वालिटीज़ को जानना है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, जिससे कि उनको उसी फील्ड में आगे कुछ भी करवाया जा सके और बच्चों को आगे सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो अभी इतना मतलब समझ आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। देन बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो वर्ड दिया है एक आपका डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसी से हमें इसका मतलब, मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका क्या मतलब है और क्या चीज़ें हैं ये। तो देखिए, पहली बात तो ये जो डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी आपका मेकिंग डिससिमिलैरिटीज़, इसका मतलब होता है। मतलब जो आपका डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी आपका डाइवर्साइट से बना है, डाइवर्साइट, ठीक है। डाइवर्सिटी जो वर्ड बना है वो डाइवर्साइट से बना है, जिसका मतलब होता है मेकिंग मेकिंग डिससिमिलर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए डाइवर्सिटी जो होता है मेकिंग डिससिमिलर, डिससिमिलर मतलब जो सिमिलर बच्चे होते हैं उनसे अलग जो बच्चे होते हैं, जो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग क्वालिटीज़, मतलब फॉर एग्जांपल एज अ रीजनल सबका अलग अलग होता है, कोई गुजराती होता है, कोई पंजाबी होता है, ठीक है, हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है। तो जो इसके अंदर डिससिमिलर वर्ड रखा गया है वो इन कैटेगरीज को डिवाइड करता है कि सबका जेंडर अलग है, सबकी मेंटल एबिलिटी अलग है, सबका फिजिकल डेवलपमेंट अलग है, सबका रीजनल अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो उन जो डिससिमिलैरिटीज़ को जॉइंट करके स्टडीज़ कराई जाती है, जोड़ा जाता है, वो होती है हमारी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। द वर्ड डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड, ठीक है। जो आपका डाइवर्सिटी वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, डाइवर्सिटी विच मीन्स मेकिंग डिससिमिलर, ठीक है। डिससिमिलर इसका मीनिंग है, इसके अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं बच्चे को डिससिमिलर करती हैं वो किस किस थ्रू करती हैं, रेस, कल्चर, आपकी रेस, कल्चर, रीजंस, ठीक है, जेंडर्स एक्सेट्रा। मतलब जिस जो जो कैटेगरीज, जो जो चीज़ें हमें बाकियों से अलग करती हैं, आप खुद सोच के देखिए। चलिए मैं सारी बात छोड़ती हूँ आपको ये सारी पढ़ाने की, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि आप किस किस रूप में बाकी बच्चों से अलग हो। आप एज में अलग होंगे, जेंडर में भी अलग होंगे, मेंटल एबिलिटी में भी अलग होंगे, फिजिकली भी अलग होंगे, सेक्सुअल एंड अटेंशंस में भी अलग होंगे, और एजुकेशन में भी अलग होंगे, वर्क बैकग्राउंड में भी अलग होंगे। आपका वर्क कुछ और है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है,
कम्युनिकेशन स्टाइल में भी अलग होंगे, आपका बात करने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, इनकम में भी अलग होंगे, आपकी इनकम 10,000 है, किसी की 20,000 25,000 हो सकती है, और मिलिट्री एक्सपीरियंस में भी अलग होंगे, आपके अब तक के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो अलग हो सकते हैं, बाकियों के अलग हो सकते हैं, रीजनल बेनिफिशियर्स में भी अलग होंगे, मतलब जो आपके अभी तक के रीजनल तीज त्यौहार मनाए जाते हैं आपके धर्म से रिलेटेड, आप उसमें भी शायद अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब है, जो चीज़ आपको अलग करती है बाकी बच्चों से वो क्या होती है, वो डाइवर्सिटी होती है, मतलब उसके द्वारा क्या है, आप जो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो स्कूल्स में वो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि अगर ये सारी चीज़ों को सोचकर एजुकेशन कराई जाए, फॉर एग्जांपल कि बच्चे की एज पर भी ध्यान दिया जाए, उसकी मेंटल एबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाए, उसका फिजिकल और रीजनल ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, तो एक क्लासरूम के अंदर तो अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से 50 के 50 बच्चे शायद बिल्कुल डिफरेंट हों, शायद 30 बच्चे डिफरेंट हो, 20 और सिमिलर हो बाकियों से, तो 30 तरीके से थोड़ी ना हम टीचिंग करवा सकते हैं, या फिर 20 तरीके से थोड़ी ना हम टीचिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसी टीचिंग नहीं करानी है कि बेटा आपका धर्म अलग है, ठीक है, आप मुस्लिम हो तो आपको मुस्लिम एजुकेशन दी जाए, आप हिंदू हो आपको हिंदू एजुकेशन दी जाए, पंजाबी हो आपको पंजाबी एजुकेशन दी जाए, नहीं। डाइवर्सिटी बेसिकली मतलब ये है कि आपको एज अ टीचर ये पता होना चाहिए कि हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन कराते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा, जिसके अंदर हम फिजिकली जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं या मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड होते हैं उनको लेते हुए चलते हैं, उसके अलग भी कुछ क्वालिटीज़ और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी जो होते हैं वो अलग थलग हो सकते हैं, जैसे जो हमारे डाइवर्सिटी हमको बताता है कि जिसमें रेस आता है, कल्चर आता है, रीजन आता है, जेंडर्स आता है, फिजिकली एबिलिटीज आती हैं, मेंटल एबिलिटीज आती हैं, वो सारी क्या होती हैं, बच्चे की डाइवर्सिटी होती है जो उनको अलग करती है, ठीक है, वो हमारे नॉर्मल बच्चों के अंदर भी क्या है, हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं कि स्पेशल चाइल्ड को ही केवल इंक्लूसिव एजुकेशन में रखना है, आपको नॉर्मल चाइल्ड को भी ध्यान में रखते हुए एजुकेशन करानी है इंक्लूसिव के अंदर, कि आपको ये चीज़ पता रहे कि हर बच्चा जो अपने आप में इंडिविजुअल है उसको किस प्रकार से टीचिंग कराई जाए कि आपकी जो टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव, और आप टीचिंग एड्स जो भी लेसन प्लान या बाकी चीज़ें आप कर रहे हो रेडी, वो ऐसे होने चाहिए जो सबको ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। ये नहीं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है तो आप गए क्लास में और आपने धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर दिया, हो सकता है वो बच्चों को ना समझ आ रहा हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी क्लासरूम के अंदर ये जो डाइवर्सिटी मेंटेन हुई हुई है, ये जो इतने टाइप के बच्चे हैं जो हर तरीके से अपने आप में अलग हैं, तो उनको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, ताकि वो बच्चे क्या हैं, अच्छे से पढ़ सके और किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। आई होप अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि इसका अब तक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम डाइवर्सिटी को क्या है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो मतलब समझ आ गया कि डाइवर्सिटी होती क्या है, वो विभिन्नताएं होती हैं, मेकिंग डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, कि जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप करना या उनके बारे में जानना, आपको ये सारी ठीक है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप है, कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारी एजुकेशन में क्यों रखा है, क्योंकि आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर कितने टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे और होते हैं, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग अपनी करवा सको, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात लर्नर्स डाइवर्सिटी डिसिमिलैरिटीज़, ठीक है, जो लर्नर्स की डाइवर्सिटीज़ हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, वो कितने टाइप से हो सकती है। देखिए, वो एक तो आपकी कल्चर बैकग्राउंड, मतलब जो बच्चे का कल्चर बैकग्राउंड होता है उससे अलग आप टीचिंग करवा सकते हो,
कल्चर बैकग्राउंड से रिलेटेड, मतलब जो भी बच्चे का कल्चर होता है आप उसको जानते हुए क्या है बच्चे की टीचिंग करवा सकते हो, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम जो डाइवर्सिटी है उसको जो डिवाइड करते हैं वो इस रूप में करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं, किन किन पॉइंट्स में आपको डाइवर्सिटी को क्या है डिवाइड करना है, ताकि आप एज अ टीचर अपनी टीचिंग क्या है इफ़ेक्टिव बना सको क्लासरूम के अंदर, ठीक है। उसमें फर्स्ट आता है आपका, ये मैं टाइप डिस्कस कर रही हूँ अब, कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बच्चे आपको अपनी कक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट टाइप आता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। आपकी क्लासरूम के अंदर जो डाइवर्सिटी को आप देखते हुए चलेंगे उसके अंदर फर्स्ट टाइप के अंदर आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हर कोई बच्चा क्या है अपने सामाजिक और आर्थिक रूप में अलग होता है, ठीक है। आप जिस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही आपके दूसरे फ्रेंड का भी हो, उसका कुछ शायद निम्न स्तर का हो सकता है या आपसे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बिल्कुल लो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो हर किसी का जो स्तर है सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो हर किसी का क्या है वो अलग होता है समाज के अंदर, ठीक है। तो आपके आपको अपनी क्लासरूम के अंदर भी ऐसा हर तरीके का बच्चा मिलेगा जिसका सामाजिक स्तर यानी कि उसका सोशल स्टेटस जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। किसी के पेरेंट्स की जो सैलरी होती है शायद, मतलब जो यहाँ पर अगर मैं लेकर चल रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली है, शायद वो उसके मॉम डैड या बाकी जो घर में लोग कमाने वाले हैं उनका गुजारा इस रूप में हो रहा हो कि दाल रोटी ही सामान आ रही हो, निम्न स्तर वाले दाल रोटी भी ना कमा पा रहे हो, और जो उच्च स्तर वाले हैं वो इस रूप से कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो ठीक है वो उनकी इकोनॉमिकल यानी कि जो इनकम स्टेटस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे अपनी क्लासरूम के अंदर। वो डिफरेंसेस डाइवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस किसी बच्चे का कैसा है उस रूप में विभिन्नताएं ना लाते हुए, मतलब उनके साथ डिफ्रेंशिएट ना करते हुए, पार्शियलिटी ना करते हुए उनको इक्वालिटी से आपको टीच करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये चीज़ अब पता होनी चाहिए कि आपकी क्लासरूम के अंदर जो 100 बच्चे हैं 50 बच्चे हैं वो इन इन रूप में अलग होते हैं। तो आपको जो टीचिंग करनी है अपनी वो उन सब बच्चों को ध्यान में रखकर करनी है कि कोई निम्न स्तर का बच्चा है, नॉर्मल है या हाई क्लास है, वो सब अपने आप में इक्वल माने एक दूसरे को। आपकी टीचिंग भी ऐसी होनी चाहिए और आपकी गाइडेंस और बाकी चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे आपस में भी जो डिफरेंशिएट ना करें कि नहीं तू मिडिल क्लास है, नहीं मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा, मैं तो अपनी स्टेटस वाले बच्चे के पास बैठूंगा, उसी के साथ खाना खाऊंगा, उसी के साथ खेलूंगा। ये सारी चीज़ें भी क्या है बच्चे के अंदर नापन पे, बच्चों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग जिस स्टेज पर हैं या फिर आज जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो हम इक्वली सभी ने फीस दी है, सभी ने यूनिफॉर्म खरीदी है, सभी ने बुक्स खरीदी है, तो हम आज इस रूप में इक्वल हैं। हम लोग कोई क्या है सोशली और इकोनॉमिकल अपने आप से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका कल्चर डिफरेंसेस। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि एज अ कल्चर भी क्या है आपके क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो आपको एज अ कल्चर के रूप में भी क्या है अलग अलग मिलेंगे। मतलब हर किसी का जो रीजन है, जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक हिंदू कैटेगरी के अंदर भी इतने कल्चर डिवाइडेड है कि हिंदू में पंजाबी भी आपको मिलेंगे और आपके जो मतलब सिख हैं वो मिलेंगे, ईसाई हैं वो मिलेंगे, सॉरी ईसाई आपका क्रिश्चियन में आ गया,
जो हम हिंदू कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, हिंदू के अंदर आपको क्या है, सिख भी मिलेंगे, पंडित लोग भी मिलेंगे और मिडिल क्लास फैमिलीज भी मिलेंगी जिनका कल्चर लो होता है, या बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी डिवाइड होगी। तो हर किसी का क्या है, कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको कल्चर की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके क्लासरूम के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों का कल्चर भी डिफरेंट होता है। कोई हिंदू है, कोई हिंदू में भी कोई बौद्धिस्ट है, कोई सिख है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई जैन है, ठीक है, कोई पंडित है, और जो बाकी रीजनल्स हैं जैसे कि आपके हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख ईसाई हो गए, ये रीजनल्स डिवाइड हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताती हैं बेसिकली, वो ये बताती हैं कि जो आपका कल्चरल डिफरेंसेस आपको क्लासरूम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इस तरह से टीच करें कि वो बच्चों के लिए बेनिफिट रहे, मतलब वो बेनिफिशियल रहे, ये ना रहे कि बच्चे उस रूप में अपने आप को अलग समझे या एक दूसरे से भेदभाव करें। वो बेनिफिशियल कैसे रहे बच्चों के लिए, कि वो एक दूसरे के कल्चर को सपोर्ट करें और एक दूसरे के कल्चर को सीखे। अगर क्लासरूम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू बच्चा है, कोई मुस्लिम बच्चा है, ठीक है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों की पूजा पाठ अलग है, दोनों के रीति रिवाज अलग है, तो वो एक दूसरे को ये वाली फीलिंग्स के साथ ना देखे कि तू तो पता नहीं किस ग्रह से ही आया है, मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मॉम ने मना किया आपके घर का कुछ नहीं खाना, या पता नहीं आप लोग कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे पूजा करते हो, कैसे रहते हो, वो सारी चीज़ें नहीं। बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करिए, इस तरह से बच्चों को आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए ट्राई करिए कि बच्चे आपस में क्या एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने, एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखे कि आपके घर में क्या होता है मुझे भी सिखाओ, आपके घर में कौन सा स्पेशल त्यौहार होता है उसमें आप लोग क्या करते हो, हमारे घर में ये होता है आप ऐसे किया करो, और एक दूसरे को अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में बताएं, पूजा पाठ के बारे में बताएं, रीति रिवाजों के बारे में बताएं, एक दूसरे को फेस्टिवल्स पर इन्वाइट करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बच्चों के अंदर नॉलेज इंक्रीमेंट वाली चीज़ें हैं कि बच्चों को बाकी धर्मों के बारे में जो नॉलेज देनी है वो किताब से ना पढ़कर उनको प्रैक्टिकली आप करवा सकते हैं, जो बाकी बच्चों से जब आप कन्वर्सेशन करवाएंगे, जो बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस अगर आपका कोएड स्कूल है तो आपको पता है आपको जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि आपके क्लासरूम में लड़के भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट अलग होता है, दोनों का लेवल थोड़ा अलग होता है, मेंटली और फिजिकली भी दोनों में बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बच्चा जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियाँ थोड़ी फिजिकली वीक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें, और इफ़ेक्ट भी करें तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में करें। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करनी है, उस लेवल पे बच्चों को सपोर्ट करना है ताकि ये सारी चीज़ें उनके लिए नेगेटिव पॉइंट ना रहकर पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका सेक्सुअल डिफरेंसेस। सेक्सुअल डिफरेंसेस कैसे, सेम जैसे जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वैसे ही सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं। सेक्सुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर आपको टीचिंग करानी चाहिए, क्योंकि जैसे गर्ल्स होते हैं उनका जब आगे आगे मैच्योरिटी इंक्रीमेंट होता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, और बॉयज़ में भी मैच्योरिटी बढ़ती है, तो दोनों के अंदर कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उसकी एजुकेशन आपको बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए कि बच्चों के अंदर टाइम पे कब कौन से हार्मोन्स कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ से डरे ना, भागे ना, और आपको अपने आप को क्या है, गलत रास्ते पर ना लेके जाए, एक पॉजिटिव वे में एक सही रास्ते पर लेके जाए, और उनको इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एज अ गर्ल मेरे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, एज अ बॉय मेरे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, किस एज में कैसी फीलिंग्स आएंगी, क्या चीज़ होगी, कौन कौन से हार्मोन्स चेंज होंगे, जो ये सारी चीज़ें कैसे बच्चों को आप सिखा सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा, या फिर बाकी बच्चों से को रिलेट करवा के उन लोगों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करके। अगर एज अ टीचर आपको ये सारे डिफरेंसेस नहीं पता हैं तो आप उस टाइम पे भी क्या है, बच्चों के जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी है वो आप बच्चों को एक प्रॉपर वे में क्या है नहीं करवा सकते हो, ठीक है।
अब इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंटल डिफरेंसेस. डेवलपमेंटल डिफरेंसेस में आ जाता है आपका लाइक मेंटल ग्रोथ आ जाती है, फिजिकल ग्रोथ आ जाती है, मोटर स्किल्स आ जाती है और एंड आपकी एबिलिटी और मोरल डेवलपमेंट आ जाता है. मतलब जो बच्चे के डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके फिजिकल होते हैं, मोरल होते हैं और मेंटल एबिलिटीज होती हैं और इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, उन सारे डेवलपमेंट्स की एज अ टीचर आपको नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए किस स्टेज पे कौन सा डेवलपमेंट होता है. आपका जो साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उसके अंदर मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट का एक चैप्टर है जो प्राइमरी क्लासेस पीआरटी के सिलेबस में है. वो जब मैं कराऊंगी तो वो आपके लिए भी, पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, आप उसको भी देख लेना. क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि बच्चे का कब कब कौन सा डेवलपमेंट होता है और स्टेज पे क्या क्या बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए बच्चे के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा. आप वहाँ पे अगर आपसे किसी भी टाइप से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप वहाँ पे बड़े ईजीली टैकल कर पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है. लेकिन अगर आपको नहीं ये सारी चीज़ें पता, मतलब बेसिक ही नहीं पता, तो आपको यहाँ पे मैं जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन बता रही हूँ कि आपको डेवलपमेंट डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट किस किस टाइम पे होते हैं. तो अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप बच्चों को क्या है प्रॉपर वे में टीच नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा अपने जो चाइल्डहुड वाली एज से निकल चुका है, नेक्स्ट लेवल स्टेज पे आ गया जो एडल्ट वाली है उसकी, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी 14 से 18 साल वाली उम्र होती है तो उसके अंदर बच्चे के साथ बहुत सारे सेक्सुअली या फिर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो अगर बच्चा किसी वजह से क्लास में बहुत इरिटेटिंग है उन चीज़ों को लेके, ठीक से पढ़ नहीं रहा है, उसका फोकस नहीं है, तो आप वहाँ पे कब कैसे टीच करेंगे. तभी टीच कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा एज अ टीचर कि इस टाइम पे बच्चों को ये कंडीशंस फेस करनी पड़ती है. शायद इस रीज़न से तो बच्चा कुछ अपसेट नहीं है, कहीं उसके अंदर इस वजह से तो कोई कमियां नहीं आ रही. तो लेकिन अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता होंगी बच्चे के बारे में, तो आप एज अ टीचर बच्चों को कैसे, उनको क्या है, बच्चों के साथ सपोर्ट करोगे या फिर बच्चों को टीचिंग की तरफ लेकर आओगे, राइट. तो इसीलिए आपको एज अ टीचर क्या है, डेवलपमेंट डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से डेवलपमेंट डिफरेंसेस बच्चे के अंदर आते हैं और टाइम पे होते हैं, ठीक है. उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है आपका पर्सनैलिटी डिफरेंसेस. ओके, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस में आपका क्या आता है, जो आपका सिक्स पॉइंट है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, यानी कि आपके क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं वो हर किसी की पर्सनैलिटी में डिफरेंट शेड पाया जाता है, कि हर कोई बच्चा अपनी पर्सनैलिटी में अलग होता है. अब आप पर्सनैलिटी को कैसे जज करेंगे, ये देख के कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे कान के बुनने पहने हैं, हाथों में क्या पहना है, शूज़ कैसे हैं, बाल कैसे किए हुए हैं, ये केवल जो आपकी आउटर जो होती है पर्सनालिटी वो होती है. आपको इनर पर्सनालिटी को जज करना है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, बच्चा सपोर्टिंग कितना है नहीं है, बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग है या नहीं है. ये सारी चीज़ें क्या है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर चेक करनी है. जैसे ईजी और डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस, डिफ़िकल्ट और एक्टिव चिल्ड्रंस, स्लो एंड वार्म एंड कैजुअल. मतलब आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सा बच्चा कैसी कंडीशन में कैसे रिएक्ट करता है, उसके अंदर पेशेंस कितने हैं, किसी कंडीशन में वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, कितना वार्म रहता है, हाइपर नहीं होता है जल्दी, या फिर हर किसी बच्चे के साथ बहुत सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग नेचर है, हैप्पी रहता है ऑलवेज, कभी भी ये नहीं है कि दुख है, रोता रहता है हमेशा. ये सारी जो कंडीशंस हैं बच्चे के साथ वो नहीं होती हैं, ठीक है. तो इस वे में भी आपको बच्चे के पर्सनैलिटी के बारे में ध्यान रखना है कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है, और बच्चे कैसे पर्सनैलिटी एज अ पर्सनैलिटी क्या है डिफरेंट होते हैं अपने आप में, जिससे कि बच्चे क्या है अपनी एजुकेशन में भी थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं. हर कोई बच्चा किसी चीज़ को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको गेन करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो आप ये नहीं है कि दो बच्चों को उस चीज़ में लेके डांटो,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी को 2 की टेबल लर्न करवाई है, राइट? तो 2 की टेबल में क्या हुआ, एक बच्चे ने तो बहुत जल्दी और बिल्कुल अच्छे से लर्न किया और आपको लिख के भी दिखा दी, दूसरे ने क्या किया कि उसने 5 तक आई, बीच में वर्ड खा गया और वो ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है, तो आप उसको डांटो कि देखो इसकी तरह सीखो, आप बिल्कुल निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते, ये वो। तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज आपको पता है एज अ टीचर कि बच्चे की मेंटल अवेलेबिलिटी और जो गेनिंग पावर होती है, ऑब्जर्वर पावर होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है, पर्सनालिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए आप दो बच्चों को क्यों आपस में कंपेयर कर रहे हो, इससे तो वो हीन भावना करने लगेगा, उसको हेट करने लगेगा। तो इसीलिए आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए ये चीज़ कर सकते हो कि कोई बात नहीं, आपने इतना ट्राई किया, बहुत अच्छा किया, अब मेरे को बताओ आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, देन वी विल शॉर्ट आउट। ठीक है, अगर हम शॉर्ट आउट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी और टेक्निक से यूज़ करवाते हैं या किसी और तरीके से करते हैं कि आपको जहाँ से बहुत इजी वे में हो, आप क्या पता खुद अच्छे से सीख सकते हो, किसी के सपोर्ट में आके सीख सकते हो अगर मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको एज अ टीचर वहाँ पे टैकल करनी होती हैं कि आप वहाँ पे कैसे जज कर रहे हो और अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर उन बच्चों को कैसे इतना जो स्लो लर्नर्स हैं और बाकी जो मेंटली रिटायर्ड हैं, फिजिकली एम्पायर्ड हैं, उनको कैसे आप अपने नॉर्मल लेवल के अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हो उनकी एजुकेशन को। ठीक है, इसके अंदर लास्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट, लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपका लास्ट एंड 7th पॉइंट है, लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल डिफरेंसेस। मतलब बच्चे के, हर किसी बच्चे के अंदर क्या है, अपनी थिंकिंग के लिए या अपने जो लर्निंग पावर स्टाइलिश स्टाइल्स होते हैं वो हर किसी के अंदर क्या है, डिफरेंट होती है। जो लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चे के अंदर, वो हर किसी में क्या है, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा क्या है, एक उसकी गेनिंग पावर अलग होती है, एक उसकी बाकी बच्चों की तरह जो जो रिप्रेजेंटिंग पावर होती है वो भी डिफरेंट होती है। बिकॉज कि एक बच्चा हो सकता है कि बहुत इजी वे में किसी को और किसी जल्दी वे में सीख रहा है, उसकी थिंकिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं उसको बोलूँ कि ताजमहल के बारे में 10 लाइनें बताओ, ठीक है, तो किसी की थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो बहुत जल्दी क्या है, आपको फटाफट मैम मैं बताऊंगा, फटाफट खड़ा होकर फटाफट बोल दे। ठीक है, किसी की थिंकिंग पावर इतनी थोड़ी सी स्लो हो सकती है कि वो 5 मिनट ले, 2 मिनट ले सोचने में, पहले ताजमहल को इमेजिन करे, फिर उसके कलर्स के बारे में सोचे, फिर पॉइंट आउट करे, लिखे, फिर आपको बताए। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, लर्निंग स्टाइल भी हर किसी का क्या है, डिफरेंट हो सकता है कि वो किस वे में लर्निंग कर रहा है। किसी को आपने यूजुअली देखा होगा, आप अपने साथ भी ये चीज़ करते होंगे कि जो लर्निंग स्टाइल है वो सबका डिफरेंट होता है। अब कुछ बच्चे जैसे आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट, क्योंकि उनको किसी के द्वारा समझा कर कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगी, मुझे किसी के द्वारा समझाया जा रहा है, वैसे मैं जल्दी सीखती हूँ, तो किसी को ऐसे लर्निंग करना अच्छा लगता है कि कोई मुझे खड़ा होकर समझा दे, तो कोई वीडियोज़ देख लेता है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है। लेकिन किसी को सेल्फ स्टडी करने में मज़ा आता है कि अपनी बुक ली, उसके अंदर कंटेंट है बस, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अपने आप को रूम में बंद किया और पढ़ता रहा, उसको वैसे ही लर्न हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लर्न किया फिर उसको लिख के देखेंगे तब उनको लर्न होता है। तो इसी रूप में क्या है, जो बच्चे का लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल है वो भी एक डिफ्रेंशिएट है कि हर किसी का सीखने का और अधिगम का या अपने आप को प्रेजेंट करने का जो सोचने विचारने का स्टाइल होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है कि आपको ये चीज़ पता चल गई कि डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं, जो भी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं बच्चे के अंदर, जो आपकी एज, जेंडर, कल्चर, रीजन और आपकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उनको इंक्लूड करके पढ़ाना वो डाइवर्सिटी है। मतलब उनको इंक्लूड करना आपस में, जो विभिन्नताएँ पाई जाती हैं हर बच्चे के अंदर अलग अलग, वो आपकी डाइवर्सिटी है। ठीक है, और हम इन सब चीज़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एज अ टीचर
पीजीटी टीचर, आप बहुत सीनियर क्लासेस के टीचर होंगे, 11 ट्वेल्थ को पढ़ाएंगे, तो उस स्टेज पे, उस लेवल पे आपको सभी कल्चर कम्युनिटी सबके मेंटल एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, कब कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं, सेक्सुअल या हॉर्मोन्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि बच्चों को आप इजीली टैकल कर पाएँ, उनकी स्टडीज़ की तरफ फोकस करवा पाएँ और एज अ टीचर वहाँ पे अपनी टेक्निक्स को बहुत इफ़ेक्टिव बना सके। अब आप वहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि 11 ट्वेल्थ वाले बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है कोई एक्टिव, तो आप वहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हो, प्लेवे मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हो, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि ये तो थोड़ा किडिश हो जाएगा, क्योंकि प्लेवे मेथड आप किन के लिए यूज़ करोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लासेस में, क्योंकि वो इतने एक्टिव होते हैं कि खेल खेल के द्वारा सीख सकते हैं, वो सिटिंग पावर उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हेयरिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो 10 घंटे बैठ के एक लेक्चर को बियर कर सके, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आप बड़े बच्चों के लिए वहाँ पे अपनी टेक्निक स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो कि कैसे आपको पढ़ाना है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे कि हर बच्चा क्या है, अपने सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकली क्या है, डिफरेंट होता है, तो आपको वहाँ पे भेदभाव नहीं करना है और बच्चों के अंदर भी वो फीलिंग डेवलप नहीं होनी चाहिए कि वो आपस में भी भेदभाव करें। सेकंड, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, आप बच्चे क्या हैं, आपस में कल्चर के, एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखें, इस तरह से आपको उनकी टीचिंग करवानी है ताकि वहाँ से वो कुछ लर्निंग ही कर सके लेकिन नेगेटिव पॉइंट ना लें। उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, हर किसी के एक एज पे अलग सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं, हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं और फिजिकली वो अलग रूप से डेवलप होते हैं, मेंटली अलग रूप से डेवलप होते हैं, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, एंड पर्सनालिटी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी का वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, किसी चीज़ को कितनी तरीके अच्छे तरीके से सपोर्ट करना है, टैकल करना है, वो चीज़ अलग होती है। उसके बाद 7th एंड लास्ट पॉइंट आपका टाइप में आ जाता है कि लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कि हर किसी बच्चे का जो लर्निंग पावर है, थिंकिंग पावर है, वो भी एक रूप में हर किसी बच्चे से क्या है, अलग अलग देखने को मिलती है। हर बच्चा अपने आप से अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से सीखता है और अलग तरीके से ही देखता है, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है क्लासरूम के अंदर, तभी आप बच्चे की एक तरह से प्रॉपर वे में टीचिंग करवा सकोगे। अगर यही इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है क्लासरूम के अंदर, तो आपकी जो टीचिंग है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और बाकी बच्चों के लिए क्या है, बहुत अच्छे से उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं, ये 7th पॉइंट आपको पता चल गए कि इसके टाइप कितने हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट आपके जो डिफरेंसेस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ। नाउ बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, जो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर डाइवर्सिटी का, इस चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए हर बच्चा अपने आप में जो अलग होता है, जो अभी तक के हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस रूप में बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो देखिए वो एक बच्चे के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है और एक क्या है, बच्चे के ऊपर नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। अब नेगेटिव कैसा होता है और पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है आपका कि बच्चे अपने आप को एक ग्रुप के अंदर एडजस्ट कर पाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचिंग कर पाते हैं, ब्रिंग मोर ओपन माइंडेड पॉजिटिवनेस आती है, मतलब बच्चों के अंदर क्या है पॉजिटिव वे में कि बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं, समझते हैं और कोई भेदभावहीन भावना ये सारी फीलिंग्स नहीं आती हैं, कोई भी एम्बेरसिंग फीलिंग नहीं आती है कि आपको हीन भावना होने लगे या मैं नीच जाति का हूँ, ये ऊंच जाति का है, या मैं हिंदू हूँ ये मुस्लिम है, इन सारी चीज़ों को लेके ऐसी फीलिंग नहीं आती है,
ग्रुप टीचिंग आप करवा सकते हो, बहुत अच्छे से बच्चों की लर्निंग करवा सकते हो, इंक्लूसिव क्लासरूम डेवलप कर सकते हो, बच्चों की एक समावेशी शिक्षा कक्षा रूम जो ऐसा हो जिसके अंदर सभी तरीके के बच्चे हो, आपस में सीख सके, वो चीज़ क्या है आप पॉजिटिव वे में बच्चों के क्लासरूम के अंदर करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा, कि नेगेटिव के अंदर डाइवर्सिटी इन अ वर्क प्लेस इज जनरली जेंडर एज अ पॉजिटिव एज कंपनीज एज अ मैनेजर, मतलब कि हो सकता है कि नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों एम्प्लॉय सेम पोस्ट पर हैं, लेकिन उस जो दो एम्प्लॉय हैं दोनों सेम पोस्ट पे जो वर्किंग है सेम काम करते हैं, लेकिन उसमें से जो डिफरेंसेस हैं वो किस रूप में है कि एक की तो 40K सैलरी है और एक की 50K सैलरी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिविटी को ले ही आएगी, क्योंकि जब दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, सेम कंपनी पे हैं, सेम पोस्ट पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो उनकी सैलरी में डिफरेंशिएट क्यों, यानी कि ये भेदभाव किया जा रहा है। अगर ये 40K वाला बंदा अपने मैनेजर से पूछे, कंप्लेन करे कि आपने उसकी 50K सैलरी क्यों रखी है, मेरी 40K क्यों रखी है, बल्कि हम इक्वल काम करते हैं, सेम पोस्ट पे हैं, तो फिर क्यों। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जो एक हार्ड वर्क का चीज़ें देखी जाती है कि कौन कितना मेहनती है, कौन कितना अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, किसका कितना अच्छा इम्प्रेशन है, वो चीज़ यहाँ पे क्या है, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नेगेटिविटी आ गई है, लेकिन आप कितना भी उसको अच्छा बता दीजिए, कितनी भी उसकी क्वालिटीज़ बता दीजिए, इन दोनों के बीच इस चीज़ की नेगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होगी कि मेरी सैलरी उससे 10K कम है या 10K ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि नेगेटिव डाइवर्सिटी आपको किस रूप में इम्पेक्ट कर सकती है क्लासरूम के अंदर, कि आपके क्लासरूम के अंदर जो इतने सारे बच्चे हैं जो आपको डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो बच्चे क्या हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने क्लासरूम से शायद इस वे में इम्पेक्ट हो जाएं कि नहीं मेरे खाने का तरीका अलग है, मेरे भोजन का तरीका अलग है, मैं मांस मछली खाता हूँ, ये वेजिटेरियन है इसका अलग है, तो इससे अलग रहना है, मॉम डांटेगी, घर पे ऐसी बात होगी, ये सारी चीज़ें। तो इस रूप में क्या है, बच्चे को एक नेगेटिव इम्पेक्ट मिलता है कि वो कितना भी ट्राई कर ले वो उसके साथ इंक्लूड नहीं हो पाता है, ठीक है। ये था इम्पैक्ट कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब एक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब जो हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। जो ये डाइवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपको कैसे करना है कि उनके लिए हेल्पफुल रहे। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, लिखने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको अभी तक जो जितना भी मैंने समझाया उसके अंदर तो पता चल ही गया है कि क्या क्या डाइवर्सिटीज़ बच्चों के अंदर होती है, तो हमें किस किस रूप में एजुकेशन बच्चों के लिए प्रोवाइड करानी है, तो ऐसे ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंटरफेयर एप्टीट्यूड और अदर पर्सनैलिटी ट्रेलर्स, ठीक है। मतलब कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या महत्व है डाइवर्सिटी का, कि आपको एज अ टीचर प्रॉपर नॉलेज मिलती है बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके एप्टीट्यूड के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी ग्रुपिंग, आपको ये चीज़ पता चलती है कि जो उनकी एबिलिटी है, अगर आप बच्चों के लिए ग्रुपिंग करवा रहे हो किसी एक्टिविटी को लेकर या एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप किस रूप में बच्चों की ग्रुपिंग करवा सकते हो, किन बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो, किन को नहीं कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टिंग द करिकुलम, आपको एजुकेशन के टूवर्ड्स अपने करिकुलम को कैसे एडजस्ट करना है, ये चीज़ भी हमें डाइवर्सिटी से सीखने को मिलती है, कि आपको एक ऐसी शिक्षा देनी है जो सभी बच्चों के
लिए हो, उसके अंदर जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, कल्चरल भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर हिंदुओं की तारीफ करी जा रही है, मोमडनों के बारे में बुरा थुला बोला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके क्लासरूम में कोई मुस्लिम हो उसके ऊपर इम्पैक्ट करे, तो ये सारी चीज़ों में क्या है आपको करिकुलम भी ऐसे एडजस्ट करना है ताकि किसी प्रकार का भेदभाव क्या है बच्चों को आपस में ना करने को मिले, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। आपको अगर डाइवर्सिटी के बारे में पता है तो आप अपने मेथड, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को क्या है प्रॉपर वे में एडजस्ट कर सकते हो एज पर स्टूडेंट्स की आपको कब कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी टेक्निक्स, कौन से टीचिंग मेथड्स और एड्स यूज़ करने हैं ताकि आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अडॉप्टेटिंग स्पेशल प्रोग्राम और मेथड ऑफ इंक्लूडर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं और आपके जो मेथड्स होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हो अपनी क्लासरूम टीचिंग के अंदर। उसके बाद रिमार्किंग द साइज़ ऑफ क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम का अगर साइज़ काफ़ी बड़ा है कि आपके क्लासरूम के अंदर 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं या 60 प्लस हैं या 100 तक रेंज जा रही है तो आप उसको टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जितने कम बच्चे होंगे आप उन पे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली फोकस ज़्यादा कर पाओगे और इंडिविजुअली क्या है बच्चों की टीचिंग को आप अच्छे से हेल्प कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्पेशल कोचिंग और गाइडेंस प्रोग्राम। आपको ऑलवेज क्या है टाइम टाइम पे स्पेशल कोचिंग्स और गाइडेंस प्रोग्राम रखने चाहिए बच्चों के लिए क्लासरूम के अंदर या ऑडिटोरियम में या फिर मॉर्निंग टाइम पे जब भी प्रे हो रही हो, ताकि बच्चों को उनसे रिलेटेड आप नॉलेज दे सको, बच्चों के इंडिविजुअल या उनकी एबिलिटीज़ को जान सको, उनके एप्टीट्यूड को जान सको, उनकी नॉलेज को या डेवलपमेंट्स को जान सको, या बच्चों को प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शंस दे सको, सजेशंस गाइडेंस दे सको कि कब किस वे में बच्चे के साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या लाइफ में फेसेस आएंगे, कब कहाँ पे उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें क्या है एक प्रॉपर एजुकेशन के टूवर्ड्स आप बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है स्पेशल कोचिंग्स और गाइडेंस प्रोग्राम टाइम टाइम पे करने चाहिए, वो आप क्लासरूम के अंदर भी कर सकते हैं या फिर आउटर साइड प्ले वे ग्राउंड्स और इन सब चीज़ों में भी आप कर सकते हैं। नाउ बात आती है रोल ऑफ द टीचर, ठीक है, कि एक शिक्षक का एज ए टीचर का क्या रोल होता है डाइवर्सिटी के बारे में पता करने के बाद, कि वो डाइवर्सिटी के बारे में वो जो विभिन्नताएं जाना है, वो जो डिफ्रेंशिएट जाना है, अब उसका एज ए टीचर क्या रोल है, उसको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीचिंग इन अ कल्चरल डाइवर्स स्कूल फॉलोइंग आर सम रिकमेंडेशन फॉर द प्रमोटिंग सोशल harmony and equal opportunity among students, especially ethical diversity in classroom and school। मतलब फर्स्ट में आपको बोलता है कि टीचर को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए क्लासरूम के अंदर जो हर किसी बच्चे को प्रमोट करने के लिए, यानी कि उनको हेल्प करें, उनको आपस में इंक्लूड करने के लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को ऐसी प्रोवाइड करा सकते हैं कि ताकि वो अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में, रीजन के बारे में एक टूवर्ड्स एकजुट होकर अच्छे से बता सकें, शेयर कर सकें, और बाकी चीज़ें क्या हैं आपस में क्या है एथिकली उसको अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सके, वहाँ पे कोई हेजिटेशन या एम्बेरेसिंग वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हीन भावना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एज अ टीचर वहाँ पे आपको अपना रोल प्ले करना है। उसके बाद आता है चूज टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन मटीरियल दैट शो ऑल द एथनिक ग्रुप इन अ इक्वलिटी। आपको एज अ टीचर उस टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर या डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से मेथड्स और टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। मेक श्योर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप नॉट इज अ रिप्रेजेंटिंग। और लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट, ये सारी जो बातें मैं आपको पॉइंट्स पढ़ के बता रही हूँ, नॉर्मली ऐसी बता देती हूँ कि जो भी आपको एज अ टीचर अपने क्लासरूम के अंदर रोल प्ले करना है
तो वो आप किस चीज़ को ध्यान में रख के करेंगे? पहला तो स्टूडेंट को ही ध्यान में रख के करेंगे, जो हम सारी शिक्षा करवा रहे हैं, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो या कुछ भी हो, वो सारी हम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के करवा रहे हैं। तो इसीलिए आपको स्टूडेंट्स के लिए एज अ हेल्पर, एज अ सपोर्टर, एज अ फ्रेंड बिहेव करना है, कि ताकि वो आपके लिए अपने आप को एक अच्छा फैसिलिटेटर माने, वो आपसे सब कुछ शेयर कर सकें, आप उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा सको, अपनी टीचिंग एड्स और इन सब को चूज़ कर सको प्रॉपर वे में, अगर आपको डाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज है, बच्चों को रिप्रेजेंट करने के ऑप्शन दे सको कि बच्चे अपने आप को अच्छे प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सके, अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज कर सके, अपने डेवलपमेंट्स के बारे में जाने, अपने जो भी हीन भावना है, एम्बेरेसिंग फीलिंग है, उसको हटाए, बाकी बच्चों के साथ मिले, ग्रुपिंग करें, ये सारी फीलिंग्स क्या है आप एज अ टीचर बच्चों के टूवर्ड्स करवा सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका करिकुलम। करिकुलम को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो एज अ टीचर, कि करिकुलम और अपनी टीचिंग स्किल्स को आप टीचिंग मटेरियल के थ्रू ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आपको डाइवर्सिटी के बारे में पता है तो आपको उसी रूप में, फॉर एग्जांपल आप पुराने ज़माने के औरंगज़ेब के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं रखने हैं कि आप हिंदू हो तो मुस्लिमों ने देखो इतना राज किया, देश को लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप सिर्फ वहाँ पे उतनी ही चीज़ें बताओ जितनी आपको एजुकेशन के वर्ड्स बच्चों को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, वहाँ पे बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इतना राज कर लिया या मुस्लिमों ने इतना कर लिया, हिंदुओं ने अलग कर लिया तो हम लोगों के अंदर हीन भावना आ गई, मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो गए, सिख दंगे हुए 1984 में, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है आपको एज अ टीचर अवॉइड करनी है। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है इसके साथ हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इससे ही इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था, इतना बड़ा नहीं था, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास तो उसमें क्या है आपके फिजिकली एम्पायर्ड और विजुअली और हीरिंग पावर और ये सब जो आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, तो उन वाली क्लासेस को अवॉइड मत करना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितने आप उसके अंदर टाइप्स जानोगे कि कितने टाइप के होते हैं, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, किस रूप में आपको समझना चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ठीक है, मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में आप प्रेजेंट रहो। तो आज की ये वाली वीडियो इसी के साथ फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, कुछ अगर छूट गया है या कुछ मिसिंग है, कुछ कमी रह गई है तो कमेंट सेशन के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेली आपके कमेंट्स चेक करती हूँ और अपने आप को भी मोटिवेशन मिलता है मुझे, और अपने आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो भी चीज़ मुझे मिलती है, आप लोगों से सपोर्ट मिलता है। एंड एक और चीज़ किसी ने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने चेक किया था, किसी ने कमेंट सेशन में बोला हुआ था कि मैम जितने MCQs हैं वो चैप्टर के एंड में आप डिस्कस करिए एक दो तीन, तो अभी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में लगी हुई हूँ, इसीलिए मैं MCQs को अरेंज नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए, तो उसको मैं सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद एक सीरीज़ आपके MCQs की आएगी, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर लूँगी एंड अब तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्या पुराने जो आपके सेट पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले होंगे क्वेश्चंस, उनको हम पेडागोजी के अंदर की उस MCQ सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। KVS कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल किसी को मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं प्लस कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।